हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैप्टर 18 ऑडिटिंग का चल रहा है, जिसका ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, मीनिंग डेफिनेशन देखा था। इस वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे कि पर्पस क्या होता है, क्यों हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ठीक है, तो इसका पहला पर्पस है फॉर परचेज ऑफ बिजनेस। अगर हम किसी बिजनेस को परचेज करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, ठीक है, तो प्रोस्पेक्टिव बायर में इन्वेस्टिगेट द अर्निंग कैपेसिटी एंड वैल्यू द एसेट्स एंड लाइबिलिटी टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ द फर्म। अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी और के बिजनेस को खरीद रहे हैं, तो हमें ये पता तो होना चाहिए कि उसके क्या एनुअल इनकम कितनी है, मंथली इनकम कितनी है, उसके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की वैल्यू कितनी है। ठीक है, ये सब जानने के लिए, उसके फर्म को अच्छे से वैल्यूएट करने के लिए हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट सस्पेक्टेड फ्रॉड। अगर कुछ फ्रॉड हुआ है, ठीक है, उसको जानने के लिए, सस्पेक्ट करने के लिए। फ्रॉड में अकर बाय द एम्प्लॉय एंड इन्वेस्टिगेटर कुड बी द पर्सन हु अनअर्थ द फ्रॉड। ठीक है, फ्रॉड किसी कोई भी कर सकता है, जैसे कि एम्प्लॉयर हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है। तो क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेटर उसको इन्वेस्टिगेट करता है, ताकि जिसने फ्रॉड किया है उसको पकड़ पाए। ठीक है, कंप्लायंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, द सेंट्रल गवर्नमेंट में गिव ऑर्डर फॉर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, मतलब एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने ये ऑर्डर दिया है कि इन्वेस्टिगेशन आप करा सकते हैं किसी भी चीज़ का। एबनॉर्मल सिचुएशन अगर कुछ है, इफ़ एनी एबनॉर्मल सिचुएशन अराइजेज द इन्वेस्टिगेटर मे बी अपॉइंटेड टू जज द रियल थिंग। कोई एबनॉर्मल सिचुएशन आ गई है, जैसे कि आग लग गया या कुछ और हो गया, या अचानक से कुछ भी हो सकता है, चोरी हो गई, तो ये सब सिचुएशन को क्या करने के लिए, रियल सिचुएशन जानने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आग लग गया तो उसके पीछे किसी का इंटेंशनली भी हो सकता है। ठीक है, तो वो सब जानने के लिए इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, हायर करता है लोग, कि ताकि वो अच्छे से रियल चीज़ें जान सके। मर्जर ऑफ द कंसर्न, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ मर्जर और टेक ओवर और अमलगमेशन द इन्वेस्टिगेशन कैन बी जज फॉर लाइबिलिटी। अगर हम मर्ज कर रहे हैं अपनी कंपनी को या अमलगमेट कर रहे हैं, तो इन हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइबिलिटी को जज करने के लिए क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर वैल्यूएशन इज मेड बाई द इन्वेस्टिगेटर एट द टाइम ऑफ एंट्री और एग्जिट। हमारे कोई भी एसेट्स का वैल्यूएशन कौन करता है, इन्वेस्टिगेटर करता है, ताकि किसी नए पार्टनर एंट्री ले रहा है तो उसके साथ कुछ गलत ना हो सके, या कोई पार्टनर जा रहा है तो उसके साथ भी कुछ गलत ना हो सके। ठीक है, फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ कंसर्न एंड डिविडेंड डिसीजन ऑफ द कंसर्न। अगर हमें कहीं इन्वेस्ट करना है, डिविडेंड देना है, तो ये सब भी क्या, इसके लिए भी इन्वेस्टिगेशन जरूरी होती है। फॉर सैंक्शनिंग ऑफ लोन, लोन देने के लिए या लेने के लिए, ठीक है, एट द टाइम ऑफ प्रोवाइडिंग लोन इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड टू जज क्रेडिट वर्थनेस, रीपेमेंट कैपेसिटी ऑफ बोरोवर एक्सेट्रा। लोन देने के लिए या देने के लिए क्या होता है, उसकी वर्थनेस, क्रेडिट वर्थनेस जानने के लिए, रीपेमेंट कैपेसिटी जानने के लिए हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो हमारा यहीं तक था। नेक्स्ट में हम डिफरेंस बिटवीन पढ़ेंगे इन्वेस्टिगेशन और ऑडिटिंग के बीच में। बहुत लोगों को डाउट होगा, तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत है, तो मैं हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, नोट्स के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नोट्स के लिए कोई भी क्वेरी हो, आप उस पर बेझिझक कॉल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।